हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम गोभी की सूखी मसालेदार सब्जी बनाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं सब्जी बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। यहाँ पर हमने एक फूल गोभी लिया है और उसको काट लिया है। दो कटे हुए आलू, एक कटा हुआ टमाटर, एक कटी हुई प्याज, दो कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, एक चौथाई चम्मच हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब हम थोड़ा सा तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, हींग, लहसुन, अदरक, प्याज। अब प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है, ऐसे ही चलाते हुए। प्याज अब हमारी हल्का लाल हो गई है, इसका मतलब पक गई है। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम गोभी डालेंगे, आलू। अब इसको थोड़ी देर तक हम ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे। अब हमारी गोभी और आलू आलू थोड़ी सी भुन चुकी है। अब इसमें हम आधा छोटा गिलास पानी डालेंगे। अब इसे हम ढक देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब हम इसको खोल कर देख लेंगे कि सब्जी हमारी कितनी पकी है। अब हम आलू को काट कर देख लेंगे। ये देखिए आलू हमारा कटने लगा है अब आराम से, इसका मतलब सब्जी अब हमारी पकने वाली है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब इसे लगभग 2-3 मिनट ढककर और पका लेंगे ताकि टमाटर हमारा पक जाए। तो आइए एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी अब हमारी बनकर तैयार है, टमाटर हमारा पक गया है। अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। तो ये देखिए गोभी की सूखी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। तो अब ये गोभी की सूखी सब्जी आप लोग भी बनाइए और खाइए। और अगर ये गोभी की सूखी सब्जी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।